इसराइल ने सोमवार यानी 1 अप्रैल 2024 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 2 जनरलों समेत 7 अधिकारी मारे गए थे, जिसके बाद से रूस समेत तमाम मुस्लिम देशों ने इसराइल के इस हमले की कड़ी आलोचना की थी। साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर समेत राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने इसराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे डाली थी। जिसके बाद अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई, जिसमें अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ईरान से कहा था कि वो इसराइल से बदले के लिए अमेरिका के ठिकानों पर हमले ना करे, लेकिन अब ईरान की ओर से अमेरिका को हिदायत दी गई है। दरअसल ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के सहयोगी मोहम्मद जमशीदी ने शुक्रवार को कहा कि ईरान ने अमेरिका को अपने और इसराइल के बीच किसी भी संभावित संघर्ष से दूर रहने की चेतावनी दी है। जमशीदी ने एक्स पर लिखा कि इस्लामिक गणराज्य ईरान ने अमेरिका नेतृत्व को चेतावनी दी है कि वो नेतन्याहू के जाल में न फंसे, दूर रहे ताकि आपको चोट न लगे, जिसके जवाब में अमेरिका ने ईरान से कहा कि वो अमेरिकी ठिकानों को निशाना न बनाए। हालांकि आईडीएफ ने अभी तक सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले की न तो पुष्टि की है और न ही इस हमले से इनकार किया है, बल्कि रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बुधवार को दिया गया एक बयान इस हमले की कहीं ना कहीं पुष्टि भी करता है, जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल पूरे मध्य पूर्व में अपने दुश्मनों पर हमले करता रहता है। जिसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने बुधवार को ये कहते हुए जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई थी कि इसराइल को निश्चित रूप से इस कदम के लिए मुंह पर एक थप्पड़ मिलेगा, जिसके बाद आईडीएफ ने ईरान के संभावित हमले को देखते हुए अपने सैनिकों की सभी छुट्टियों को रद्द कर दिया था और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है। हालांकि वॉशिंगटन ने बार बार ईरान को चल रहे इसराइल हमास युद्ध से दूर रहने की सलाह दी है और तेहरान ने काफी हद तक इसका पालन भी किया है। संघर्ष में सीधे भाग लेने के बजाय ईरान ने इराक और सीरिया में शिया मिलिशिया और लेबनान के हिजबुल्ला को हथियार देने और प्रशिक्षित करने की अपनी मौजूदा नीति को बरकरार रखा है, जिसकी वजह से अक्टूबर में शुरू हुए संघर्ष के बाद से हिजबुल्ला अमेरिका और इजरायली बलों के साथ मोर्चा लिए हुए है। गौरतलब है कि गुरुवार को सीएनएन से बात करते हुए व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा था कि अमेरिका इसराइल और ईरान के बीच युद्ध की संभावना के बारे में बहुत चिंतित है। हालांकि अमेरिकी अधिकारी ने मंगलवार को एक्सियस को बताया था कि अमेरिका ने सीधे ईरान को सूचित किया कि उसकी हमले में कोई संलिप्तता नहीं थी और हमें इसके बारे में समय से पहले पता नहीं था। गौरतलब है कि शुक्रवार को तेहरान में मारे गए अधिकारियों के लिए एक अंतिम संस्कार जुलूस के बाद बोलते हुए आईआरजीसी कमांडर हुसैन सलामी ने लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान के संबंध में किसी भी दुश्मन की कार्रवाई को बिना जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा।